आपने कभी ना कभी क्रिकेट मैच जरूर देखा होगा, चाहे वो वनडे हो चाहे वो T20 हो। अब उस मैच में जो खेला जाता है, जो मैच, उसके पीछे बहुत सारा प्रैक्टिस छुपा होता है। बट आप उस मैच को देख रहे हैं और उस मैच से डिसाइड होगा कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी। बट आप ये कभी नहीं देखते हैं कि कौन सी टीम ने कितना प्रैक्टिस किया है और कौन से टीम ने कितना प्रैक्टिस नहीं किया, ये कभी आप देखते नहीं। आप सिर्फ, आप या क्या सब लोग, हम लोग यही देखते हैं कि उस मैच में कौन विनर होगा, कौन लूजर होगा। और ये पूरा का पूरा जो मैच है, ये बिल्कुल नीट के एग्जाम जैसे है। वो नीट का 3 घंटा डिसाइड करेगा कि आप डॉक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये कोई नहीं पूछने वाला है कि आपने 1 साल मेहनत किया है, 2 साल किया है, 6 महीने किया है, किस प्रकार मेहनत किया, ये कोई नहीं पूछने वाला है। ये जो 3 घंटा है, ये डिसाइड करने वाला है कि आपने किस हिसाब से मेहनत किया है, कि क्या आप डॉक्टर बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले हैं। सो इस 3 घंटे को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए जिससे हमारा ब्रेन एक बेहतर आउटपुट जनरेट कर सके, इस 3 घंटे को कैसे इम्प्रूव किया जाए जिससे हम 2 साल 1 साल जो हमने पढ़ाई किया है उस पढ़ाई का परिणाम हमें मिल सके। इस 3 घंटे को हम कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकें जिससे हम डॉक्टर बन पाएं, जो हमने सपना देखा है वो पूरा हो सके। तो इसमें कुछ ना कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करने चाहिए उस 3 घंटे के दौरान, जिससे कुछ ना कुछ हिस्सा जो है आप एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ लेके जाएंगे और आपके ब्रेन से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। पहला तरीका ये हो सकता है कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे, तो कोशिश करिए कि 1 या 2 घंटा पहले पहुंचिए। ऐसा देखा जाता है कि जो लोग लेट हो जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चले जाते हैं। जो चीज़ें नहीं आती है वो भूल, जो चीज़ें आती हैं वो भूलना शुरू कर देते हैं। तो उस एंजाइटी को रोकना है, और रोकने का एक ही तरीका है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे एटलीस्ट 2 आवर्स 1 आवर पहले पहुंच जाइए। जल्दी से पहुंचेंगे तो वहां आके आप रिवाइज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं। आपको दिखाई दे रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर है मेरा, ये आपने तय कर लिया कि ये मेरा रोल नंबर है जो 2nd फ्लोर 1st फ्लोर ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे है, तो आपका दिमाग, शरीर और आपके पेरेंट्स और आप रिलैक्स हो गए हैं कि ये मेरा सेंटर है, यहाँ मुझे जाना है। अब टारगेट ये है कि जो मैंने पढ़ा है बस रिकॉल आ जाए, याद आ जाए, ताकि मैं अच्छा कर पाऊँ। तो कोशिश करिए कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में कम से कम 2 या 1 घंटा पहले पहुँचे। दूसरा, जब आप सीट एलोकेट हो जाए कि ये आपका सीट है, यहाँ बैठना है, तो कोशिश करिए कि किसी से भी बात ना करें, क्योंकि बात करेंगे तो काम गड़बड़ हो सकता है। हो सकता है कि जो साथ में व्यक्ति है वो आपसे बहुत सुपीरियर हो, बड़े ब्रांड का स्टूडेंट बैठा हो, तो आपको डीमोटिवेट 2 सेकंड के अंदर ही कर देगा, क्योंकि वो आपका कंपटीटर है, उसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो किसी से बात करने से कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। आप एग्जाम के बाद बात कर लीजिएगा, जितना बात करना, मोबाइल नंबर ले लीजिएगा उसका, बतियाते रहिए पूरी जिंदगी भर, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट आप जब बैठे हैं तो उस समय किसी से भी बात नहीं करना है, कोशिश करिए कि मिनिमाइज करें, हेलो हाय तक सीमित है। ये डिस्कस मत करिए कौन सा क्वेश्चन है, क्या पढ़े हो, कहां से करे हो, नहीं, डजंट मैटर। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप बैठें तो थोड़ा सा अपने ब्रेन को रिलैक्स करिए, डीप इंस्पिरेशन डीप एक्सपिरेशन करिए, लंबा सांस लीजिए, लंबा सांस छोड़िए। इससे क्या होगा, इससे आप ऑक्सीजनेटेड हो पाएंगे, आपका दिमाग तरोताजा फील करेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आंख बंद करके अपने भगवान का, अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर का नाम लीजिए और सोचिए आंख बंद करके कि इस बार मेरा रिजल्ट आएगा, इस बार मेरा सिलेक्शन होगा,
क्योंकि जो मैंने पढ़ा है उससे ही सारा क्वेश्चन आने वाला है, जो मैंने पढ़ा है वो सारा का सारा याद होगा, इसी बार मेरा सिलेक्शन होगा। ये जो पॉजिटिव वाइब्स हैं ये बहुत जरूरी है। ये नहीं सोचिए कि अरे यार भूल गया तो क्या होगा, कुछ चीजें याद नहीं आएगी तो क्या होगा, ऐसे नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। तो ये स्टेप है जिससे आप उस 3 घंटे में विनर हो सकते हैं। कई बार दफा ऐसे देखा जाता है कि मैच से ही मैं उदाहरण दूंगा कि ऐसा लगता है कि वो टीम जीत गई है। अब नामुमकिन है कि 6 बॉल में 12 रन बनाना, मतलब नामुमकिन है, बॉलर छक्का मार ही नहीं सकता है, वो आज तक किसी ने मारा ही नहीं है उसने, है ना, बाउंड्री के पार कभी भेजा ही नहीं है उसने, और वो करके दिखा देता है, जीत गया। तो कई बार ऐसे देखा जाता है कि हारी हुई टीम भी जीत जाती है। ये क्यों जीत पाते हैं पता है, उसने कभी आज तक ऐसा नहीं किया है, कभी बाउंड्री के पार अपने बैट से बॉल को कभी नहीं मारा है, बट जीतता इसलिए है क्योंकि उसके पास विश्वास है कि मैं अपनी टीम को जिता के रहूंगा। ये जो विश्वास शब्द है बहुत पावरफुल है। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे कि मैं बहुत बढ़िया हूं, बहुत अच्छा मैंने पढ़ा है, हर चीज पढ़ा है, हर लाइन पढ़ी है, तो फिर तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो विश्वास रखिए कि आप अच्छा कर पाएंगे। दूसरा है, नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि कई दफा ये भी देखा जाता है कि आप बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, आपके मन में ये विचार रहता है कि मैं जल्दी से बायो खत्म कर लूं ताकि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज्यादा समय दे सकूं। ये होना भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, और जल्दीबाजी के चक्कर में आप बायो से भी अपना हाथ धो बैठते हैं। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी। आपको बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है, यहां तो ये 3 घंटा दिखा रहा है, इससे ज्यादा टाइम आपको मिल रहा है, तो जल्दीबाजी आपको नहीं करनी है। जल्दीबाजी करेंगे नुकसान आपका हो जाएगा, रिलैक्स होके करना है, शांत मन से करना है, और ये श्योर करना है कि जो आप अपने पेपर पे कर रहे हैं वही सेम आंसर आप OMR शीट पे भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, ये आपका दायित्व है, आपका फर्ज है, ये आपी को देखना है। तो ये मेक श्योर करिएगा, हड़बड़ी नहीं, जल्दी करके क्या ही कर लोगे। अगर मान लो कि बायो में जल्दी आपने मचा भी दिया, फिजिक्स में जाके फंस गए, तो यहां से भी जाओगे वहां से भी जाओगे, ठीक है। तो एक स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करना, आपकी स्पीड भी अच्छी रहनी चाहिए और स्पीड के साथ साथ आप सही आंसर देते जाएं, दैट्स कॉल्ड एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलना है, जब तक इसे मेंटेन नहीं करेंगे आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इसे अभी से प्रयास करेंगे ना, अभी से ही मॉक टेस्ट में, PYQ में थोड़ा स्पीड और एक्यूरेसी, मतलब स्पीड के साथ एक्यूरेट आंसर देंगे, तभी अच्छा किया जा सकता है। एग्जाम के बाद आप किसी से बात करिए, कहीं पे घूमने जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उस 3 घंटे को बेहतर बनाने का ये छोटे छोटे स्टेप आपको बेहतर बनाएगा। इस एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटे में छोटा छोटा, मतलब छोटे छोटे इंटरवल पे आप पानी पी सकते हैं, और पूरा भर के गिलास नहीं पीना है, एक एक घूंट पानी पीना है, इससे ताकि आपके बॉडी हाइड्रेटेड रहे और अच्छा कर पाए। लाइट ब्रेकफास्ट करके जाइएगा, पूरा हैवी नहीं, और बस इतिहास रच के आइएगा और हमको ज़रूर बताइएगा। आप ज़रूर सफल होंगे, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।